खंडवा शहर में योग शिक्षा देने वाले योगाचार्य स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण गुप्त की 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आदर्श योग और संस्कार प्रतिष्ठान और लायंस क्लब के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में योग गुरु को श्रद्धांजलि दी। लायंस सचिव नारायण बाहेती ने बताया कि योगाचार्य गुरुजी ने 92 वर्ष की उम्र तक शहर, जिले एवं देश के कई शहरों में निःशुल्क योग शिक्षा प्रदान की। गुरुजी की 99वीं जयंती पर लायंस भोजन सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि सभा की गई। अध्यक्ष दिलीप जैन ने बताया कि हम आज जो कुछ भी है गुरुजी के मार्गदर्शन का ही प्रभाव है। कोषाध्यक्ष दामोदर गर्ग ने गुरुजी की प्रेरणा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिलीप जैन के साथ मिलकर तुलसी उद्यान, टैगोर पार्क, श्रीनगर कॉलोनी और गार्डनों में स्वास्थ्य लाभ के लिए जिम गार्डन मशीनें लगवाई हैं। कि आदर्श योग एवं संस्कार प्रतिष्ठान द्वारा जहाँ पर योग का कार्य किया जाता है वहीं पर स्वास्थ्य के लिए हमारे दामोदर जी अग्रवाल द्वारा गुरु जी के प्रेरणा से लायंस भोजन सेवा केंद्र में रात्रिकालीन निःशुल्क भोजन का कार्य गत वर्षों से किया जा रहा है, जिसकी पूरे शहर ही नहीं जिले के पूरे मरीज परिजन तो की द्वारा सराहना मिल रही है। बहुत अच्छी सेवा गतिविधि कर रही है। सुबह लायंस क्लब खंडवा द्वारा भी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही दिलीप जैन साहब एवं दामोदर जी अग्रवाल के सौजन्य से जहाँ सराफा उद्यान में आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज के लिए जिम मशीनें लगाई गई है, गार्डन जिम मशीनें, टैगोर पार्क में, श्रीनगर कॉलोनी में, शहर के अनेकों पार्कों में, कि जो योग तो करे करें, योग के साथ अगर जो योग नहीं कर सकते हैं तो जिम मशीनों के द्वारा भी आप कर सकते हैं। गुरु जी ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमको शुरू शुरू में जबरदस्ती योगा के उठाते, रोज सुबह 5:30 बजे फोन करते थे, नहीं जाते थे तो घर आ जाते थे। सबको जगह जगह के उन्होंने योगा सिखाया। आज उनके आभारी हमें वो दिन बुरे लगते थे, पर जब वो सिखा दिया उन्होंने योगा तो हम गुरु जी कृतज्ञता कभी भूल नहीं सकते। आपको जो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है वो आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो योगा ट्रेनिंग के साथ साथ जो मैं सदाचार की भावना बताई, सबको प्रेम से रखो, सबकी सेवा करो, सबके हृदय में अच्छे भाव दो, सबको अच्छा ज्ञान दो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, गरीबों की सेवा करो, जो उन्होंने शिक्षा दी आपको वो हमारे जीवन में काम आ रही है, उन्हीं के अनुसार आदर्श अनुसार काम कर रहे हैं, वो संतोष हो सुखी है हमको। जैसा कि दिलीप जैन साहब ने बताया है कि उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन, वास्तव में उनके बारे में हम ये कहें कि सिर्फ वो कहते ही नहीं थे, जिस बात पे कहते थे वो करते भी थे। उन्होंने सच बोलने के खातिर 3 नौकरियां छोड़ दी, नगर पालिका निगम, स्कूल की नौकरी, सभी जगह जब बात आई कि नहीं आपको बच्चों को अच्छे से पास करना है और जिन्हें उनको नंबर देना है तो गुरु जी ने मना किया कि नहीं, मैं बच्चों को जो है सिर्फ ऐसे ही पास नहीं कर सकता, जब तक मैं घर पे और अलग से कोचिंग ले लूँगा, उनको तैयार करूँगा, लेकिन मैं कभी भी उनको वैसे ही नंबर देके पास नहीं कर सकता। तो ऐसे हमारे महान विभूति गुरु जी जो है उनके आज जन्मदिन का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे बीच वरिष्ठ साथी 1960 में मेरे शिक्षक भी थे संस्कृत के, और उन्होंने हमको अनुसार पढ़ाया, और उस समय भी यही था कि गुलाजी जी तुम्हारी संस्कृत कमजोर है, संस्कृत कमजोर है। तो मैं कहा सर मैं संस्कृत में कभी फेल हो गई बताऊँगा, ये भी बताऊँगा कि मैं उसमें बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हूँ। और आखिर में ये क्या हुआ कि जब हायर सेकेंडरी के पेपर हुए तो 98% में पास। तो उसके बाद गुरु जी ने बहुत कहा कि आगे बढ़ो, आगे पढ़ो, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं परिवार की उस हिसाब से, लेकिन मैं जुड़ा उनके साथ हमेशा रहा, उनके घर भी जाता रहा कुछ है। तो उसके बाद भी जब योग की बात हुई तो मेरे को उनका सुबह 5:30 बजे करेक्ट फोन आता रहा, और मेरे को जो देखभाल ही बोलते थे जो सही बात ही है गुलाटी जी या गुलाटी कभी एक बार कहाँ हो ना कर सकते हो और कल जल्दी निकलो तो मेरे को लो यहाँ से और आगे वहाँ छोड़ो और आप भी योग में आओ। तो ठीक है, ड्यूटी मेरी एक लगा के रखी थी उन्होंने शिक्षा में मार पड़ेगी तो सही होगा, क्योंकि नहीं होने वाले मेरे मारा भी होने तो अच्छे से ध्यान मारा भी मुझे काम कराया और मैं करता रहा। मेरी श्रीमती की जो सेवा कर सकती भोजन करने की मेरी तो कोई ताकत नहीं, कुछ कर नहीं सकता था। इतना
इतना एहसान है बोलने के लिए तो सोच नहीं सकता। पूरे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी आज गुरु जी के 99वें जन्मदिन पर आप सम्मिलित हुए हैं। गुरु जी के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर कहा गया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि गुरु जी के बताए मार्ग पर हम चलते रहें तो हमारा जीवन का उद्धार उसी में है। गुरु जी ने हमें न सिर्फ योग और प्राणायाम की शिक्षा दी बल्कि नैतिकता और सदाचार की भी शिक्षा दी, जिनके मार्ग पर चल कर आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जीवन में हर क्षेत्र में उनके बताए मार्ग पर चलने वाले प्रगति के पथ पर अवश्य ही जाते हैं। इस अवसर पे मैं विशेष रूप से हमारे दामोदर भाई का आभार व्यक्त करता हूँ लायंस क्लब की ओर से कि आपने उनकी स्मृति और उनके बताए मार्ग पर चलने चलकर जो आज कार्यक्रम वगैरह जो करते रहे हैं, गुरु जी को याद करते रहे, हम सबको एकत्रित करते हैं, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। गुरु जी बहुत समाजसेवी और बहुत कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने जो योग करने का कार्यक्रम चलाते रहे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा 5 बजे उठाने की आदत उन्होंने डलाई और गुरु जी ने इंसान को 3 तृष्णा से दूर रहने के बोला था, तृष्णा भूवैष्णा और लोकेशना से दूर रहने के लिए कहा। उसी का अगर कर समाज की सेवा करना, यही गुरु का उद्देश्य गुरु जी का उद्देश्य है। उनको मैं आज हमारे गुरु जी का 99th बर्थडे है और मेरे को तो क्योंकि मैं यहाँ रहा नहीं हूँ, मेरे को तो जो जैसे डॉक्टर साहब ने लाडी जी ने बताया कि गुरु जी छोटी अवस्था में लोगों को योग सिखाते थे, आज योग का महत्व सबको पता चल रहा है। मैं जो दामोदर जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो लायंस क्लब के साथ मिलकर रात्रि जो भोजन का पेशेंट्स के परिवारजनों के लिए किया, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं तो सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको गुरु जी के जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं उसका हमको पालन करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।